अविनाश सर, फिर इस समय में बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक कोई स्ट्रेटेजी अभी बनानी है, या बजट का इंतजार करना है, या कुछ और चीजों का, ट्रिगर्स का इंतजार करना है, डायरेक्शन का वेट देखिए, करना? मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं स्टॉक प्राइसेस अक्रॉस सेक्टर्स चढ़े हुए हैं, लेकिन फिर भी हमको लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जहां पे निवेश के मौके हैं। हमने आपको पहले भी कहा था कि जो साउथ वेस्ट कंपनीज है, जैसे कि रैमको सीमेंट है, हेडलवर्क सीमेंट है, श्री दिग्विजय सीमेंट है, ये छोटी सीमेंट कंपनीज है, तो जहाँ पे एक अच्छा निवेश का मौका बन सकता है। क्योंकि हमारा मानना है कि अक्टूबर टू दिसंबर में ये जो तीसरी तिमाही हो गई है, सीमेंट सेक्टर के लिए बहुत मजबूत क्वार्टर आने की अपेक्षा है। सितंबर क्वार्टर इनके लिए बहुत खराब क्वार्टर था, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। और ऊपर से बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट आने की उम्मीद है, तो वो अगर होता है तो इनडायरेक्टली सीमेंट सेक्टर को फायदा होना चाहिए। तो सीमेंट में हमको अभी भी पॉजिटिविटी लग रही है, हालांकि बाकी सेक्टर जैसे ऑटो है, कैपिटल गुड्स है, बिल्डिंग प्रोडक्ट्स है, ये भी सेक्टर्स में आपको निवेश के मौके मिल सकते हैं, लेकिन अभी मार्केट्स में काफी हद तक स्टॉक प्राइसेस एलिवेटेड है, तो सीमेंट डेफिनेटली लुक्स मोर अट्रैक्टिव। तो सीमेंट में ये जो तीन कंपनी हमने बताई, वहाँ पे निवेश के छोटे मौके आपको मिल सकते हैं। यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा करके ले लीजिए, कोई भी मार्केट करेक्शन अगर आता है तो इसमें खरीदने के मौके समझना चाहिए। तो डिप्स में खरीदने के अपॉर्चुनिटी है, और स्पेसिफिकली अगर बात कर रहे हैं अविनाश सर, तो कह रहे हैं सीमेंट सेक्टर, और सीमेंट सेक्टर में भी खासकर साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनीज, उनमें एक थोड़ा सा बुलिश व्यू है, लेकिन वही है कि थोड़ा थोड़ा करके स्कैटर्ड वे में, तो एक साथ में और अभी नहीं, जैसे जैसे जो जो डिप्स आती है वहाँ पे खरीदारी करके चलेंगे, तो ये एक तरीका रहेगा।